स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। और वीडियोस के माध्यम से मेरा ये कठिन प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैंने ज्ञान अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त किया है और जो भी मैंने अपने अनुभव से सीखा है अपने पशुओं के साथ, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मेरा पशुधन है जो मैं अपने पास रखता हूँ, मेरे घर पर है, और इस से ही मैंने जो कुछ सीखा है वह सब आपके साथ मैं समय समय पर साझा करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पशु को डिलीवरी के बाद यानी कि ब्याने के बाद जब हमारी गाय भैंस बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद हमें पशु को गुड़ कितने मात्रा में खिलाया जाना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि भैंस को मण गुड़ खिलाया जाना चाहिए डिलीवरी के बाद। यानी मण का मतलब 40 किलो होता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में मण को 40 किलो की संज्ञा दी गई है, यानी कि हर भैंस को 40 किलो गुड़ खिलाना ही चाहिए। लेकिन अब यह सवाल आता है कि हमारा पशु, यदि हम दूध के आधार पर पशु को गुड़ खिलाएं तो दूध के आधार पर पशु को कितना गुड़ खिलाया जाना चाहिए। तो दूध के आधार पर यदि हम बात करें तो अपने पशु को दूध के डबल हमें गुड़ कम से कम खिलाना ही चाहिए। यदि हमारा पशु ज़्यादा ही गुड़ को पसंद करता है या फिर गुड़ खाने से दूध को और भी ज़्यादा बढ़ाता है तो हम गुड़ की मात्रा को कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि कोई 10 लीटर की भैंस है तो उसे 20 से 25 किलो आप गुड़ खिलाएं, कोई 20 किलो की भैंस है तो उसको आप 40 से 45 किलो तक गुड़ खिलाएं। यदि हम बात करें गुड़ कौन सा खिलाना चाहिए तो गुड़ आपको जो भी मिलता है वही खिलाएं, लेकिन गुड़ कोशिश करें कि आपको पुराना गुड़ किसी तरीके से मिल जाए। अगर आपके पास पिछले साल का गुड़ है तो वह ताजा ब्याए पशु के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें जो गुड़ की असली जो शुद्धता और गुणवत्ता जो होती है, गुड़ के जो गुण होते हैं वो पुराने गुड़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। नए गुड़ की जो तासीर होती है, तासीर का मतलब नेचर, प्रकृति, नया गुड़ ठंडा होता है और ताज़ा ब्याए पशु को कोई भी ठंडी वस्तु खिलाया जाना अपवाद माना जाता है। तो इसीलिए आप प्रयास करें कि आपको पुराना गुड़ मिल जाए। यदि पुराना गुड़ नहीं मिलता है तो आप नया गुड़ भी खिला सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन प्रयास आपको करना है कि आप पशु को पुराना गुड़ खिलाएं। और गुड़ की मात्रा मैंने आपको बताया कि दूध से डबल, यदि 10 लीटर वाली भैंस है तो उसको 20 किलो 25 किलो गुड़ आप खिलाएं। गुड़ कितना प्रतिदिन का खिलाया जाना चाहिए ये भी एक पशुपालकों का सवाल रहता है। तो प्रतिदिन का आप अपने पशु को 1 किलो से लेकर 2 किलो तक गुड़ खिला सकते हैं। अब 1 किलो गुड़ किस भैंस को खिलाना है? जो भैंस 10 लीटर दूध की है, 12 लीटर दूध की, उसको प्रतिदिन का 1 किलो गुड़ खिलाना है, आधा किलो सुबह के समय और आधा किलो शाम के समय। लेकिन जो भैंस 15 लीटर की है या 18-20 लीटर की है, 25 लीटर तक जिसका दूध है, तो उसको आप दूध के अनुसार मात्रा बढ़ा सकते हैं। 17-18 लीटर वाली भैंस को रोज का 1.5 किलो गुड़ आप खिलाएं, और 25-23 लीटर की जो भैंस है उसको आप प्रतिदिन का 1.5 से 2 किलो तक गुड़ खिला सकते हैं। उसमें आप 1 किलो सुबह के समय और 1 किलो शाम के समय खिला सकते हैं। तो इस तरीके से दूध के आधार पर पशुओं को गुड़ खिलाया जाना चाहिए। गुड़ खिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस गुड़ को आप गुड़ की मात्रा से डबल पानी के अंदर उसको अच्छी तरीके से उबाल लें। यानी कि आप अपने पशु को पूरे दिन का 1 किलो गुड़ खिलाते हैं, 500 ग्राम सुबह के समय और 500 ग्राम शाम के समय। तो 500 ग्राम गुड़ में सुबह के समय 1 से 1.5 लीटर पानी मिला लें और उसको अच्छी तरीके से उबाल लें। जब वह उबल जाए और पशु के पीने लायक गुनगुनी अवस्था उसकी हो जाए तो उस समय पर आप उसमें देसी घी या फिर सरसों का तेल डाल करके पशु को पिलाएं। ठीक इसी तरीके से यह आप शाम को पिलाएं। इसको हरियाणा प्रदेश में आवटी बोला जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैदराबाद की साइड में लोग गुड़ का काढ़ा कहते हैं। ये गुड़ का काढ़ा, गुड़ की आवटी, गुड़ का पानी पिलाने से बहुत ही अच्छे जबरदस्त रिजल्ट है। अच्छे से अच्छा पशु यदि उसको यह पिला दिया जाए और कमज़ोर से कमज़ोर पशु भी जिसको यह पिला दिया जाए तो वह अपना दूध 20% आराम से बढ़ा लेता है। यदि कोई 10 लीटर की भैंस को आप यह पिलाते हैं और यदि भैंस इसको पसंद कर लेती है तो वह 11-12 लीटर दूध अपने आप निकाल देगी। कोई 20 लीटर की भैंस को आप यह पिलाते हैं तो वह 22-23 लीटर तक इससे पहुँच जाती है। इतना अच्छा यह ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को डिलीवरी के बाद गुड़ खिलाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय जवान।